हरे कृष्ण। भौतिक संसार आरंभ होने से पहले बंद हो गया। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के इस पहले 8वें अध्याय के पहले श्लोक पर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को पिछले अध्याय में जो हुआ थोड़ा बहुत उसका मालूम होगा, है ना। आप हर दिन यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, तो पिछले अध्याय में काफी सारे प्रश्न पूछे गए किनके द्वारा, विदुर जी के द्वारा। तो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब मैत्रेय मुनि आगे अब चर्चा करने आरंभ कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप में से याद है कुछ प्रश्न आप लोगों को कि क्या क्या प्रश्न पूछे थे उन्होंने, हाँ, विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से, जिनके उत्तर यहाँ पर देंगे। कुछ आपको याद है, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा रिविजन करेंगे एक तरह से, ताकि एक हमारा फ्लो हम समझ सकें। गीता या भागवतम जब पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से क्या चल रहा है। और पहले सूत गोस्वामी का वर्णन आता है कि वो सूत गोस्वामी कथा कर रहे हैं, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी का वर्णन आ रहा है कि वो कथा कर रहे हैं, फिर अभी मैत्रेय मुनि का वर्णन आ रहा है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन बोल रहा है, किधर से बोल रहे हैं। तो एक के अंदर एक कथा चलती है। तो सुखदेव गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछे गए थे, हाँ, तो उनका उत्तर देते हुए वो इस वार्ता, विदुर जी और मैत्रेय मुनि के बीच में जो वार्ता हुई उसका वर्णन करते हुए फिर तीसरे स्कंद में उसका वर्णन आता है। और फिर विदुर वार्ता, विदुर और मैत्रेय जी की जो वार्ता है उसमें जो विदुर जी हैं वो प्रश्न करते जा रहे हैं भगवान से संबंधित, भगवान से लीलाओं संबंधित, भगवान के इस विराट रूप के बारे में। पिछले 2-3 अध्याय में आपने देखा होगा विराट रूप के काफी चर्चा हुआ होगा वहां पर कि किस तरह से विराट रूप है। और विराट रूप जो है वो उसका वर्णन है, और फिर उसके बाद भगवान की अभी अलग अलग लीलाओं और अलग अलग मंत्रों में जो अलग अलग मनु आते हैं और अलग अलग जो अवतार हैं उनका वर्णन अभी आगे के अध्याय में होने वाला है। तो ये जो कुछ प्रश्न पहले पूछे गए थे 7वें अध्याय के अंदर, 7वें अध्याय का नाम भी यही है कि जहाँ पर विदुर जी के आगे के कुछ और जो प्रश्न है उनको प्रश्न को दिया गया है कि भगवान के विराट रूप के बारे में, मनु मनवंतर जो होते हैं उनके बारे में, है ना, और फिर पूरे क्रिएशन के बारे में, कैसे सृष्टि आरंभ हुआ, है ना। जब भगवान पूरा प्रलय कर लेते हैं तो फिर कौन रहता है उनकी सेवा के लिए, ऐसे कुछ प्रश्न उन्होंने किए थे। किन्होंने? विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से। और इस श्लोक के अंदर अभी मैत्रेय मुनि यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि इनका, हाँ, कि विदुर जी आप बहुत भाग्यशाली हैं, है ना, उनका गुणगान कर रहे हैं कि आपका जो वंश है बहुत महान वंश है जहाँ से आप आए हैं, है ना, और आपके जो वंश के जितने भी राजा हैं सब भगवान की सेवा करने के योग्य हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करने योग्य हैं। क्षमा कीजिएगा, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के उनकी सेवा करने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग क्या हैं, आपके वंश में जो भी हैं सब कौन हैं, सब भगवान के भक्त हैं। तो जनरली हम समझते हैं कि जो विदुर जी हैं वो कुरु वंश से हैं, हाँ, तो ये पूरी हम जानते हैं पूरी परंपरा जो कि अभी आगे इसका वर्णन करेंगे। सोम डायनेस्टी, मतलब कि चंद्रमा से जो वंश आया है, और दूसरा सूर्य वंश, है ना, दोनों वंश का वर्णन करेंगे अभी आगे के जो स्कंद है उनके अंदर। तो जो ये वंश है जिसमें भगवान श्री कृष्ण आए, या फिर ये पूरा कुरु वंश है, ये पूरा चंद्र वंश है ये। इसमें एक राजा हुआ है ययाति महाराज, है ना, उनके 4 पुत्र थे, तो उनमें से जो सबसे बड़े थे वो यदु थे और सबसे छोटे थे वो पुरु थे। उनकी कथा फिर 9वें स्कंद में आती है कि किस तरह से जो ययाति महाराज ने अपना जवानी एक्सचेंज करने का उनसे कहा था अपने पुत्रों से। वो लंबी कथा है, उसको कभी हम बाद में मौका मिला तो चर्चा करेंगे। तो यदु महाराज मना कर देते हैं, है ना, कि मैं अपना जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए मुझे जीवन जीना है, तो मैं अपना जो है आपको जो जवानी है मैं आपको नहीं दे सकता। तो बाकी सारे पुत्र भी इस अलग अलग कारण बना के मना करते हैं, लेकिन जो सबसे छोटे पुत्र होते हैं पुरु, तो वो उनको मान जाते हैं और उनको अपने पिताजी को इस तरह से वो दे देते हैं, तो वो उनको राजा बना देते हैं। फिर तो उनसे ये पूरा वंश आया पुरु वंश। बाद में इसी पुरु वंश में एक राजा हुए कुरु, इसलिए इसका नाम कुरु वंश हो गया। फिर इसलिए जो कौरव और पांडव फिर बने। और वहीं जो यदु महाराज से जो पूरा डायनेस्टी जो स्टार्ट हुआ वो कहलाया यादव, और उस यादव वंश में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। इसलिए कौरव और यादव एक तरह से उनका जो ओरिजिन है एक ही है।
ये थोड़ा था इन वंश के बारे में। तो यहाँ पर जो मित्र मुनि हैं वो प्रशंसा कर रहे हैं कि आपके जो वंश है पूरे सब भगवत भक्त रहे हैं, इसलिए ये सब लोग क्या है, हाँ, शुद्ध भक्तों की सेवा कर सकते हैं। हम भी संसार में देखते हैं कि भक्तों की सेवा या फिर भगवान की भक्ति केवल वही लोग कर सकते हैं, है ना, जिनका कहीं ना कहीं सुकृति रहा है, कहीं ना कहीं भक्तिमय जीवन रहा है, या फिर उनके ऊपर शुद्ध भक्तों की कृपा हुई है, कहीं ना कहीं भक्त उनसे मिले हैं। अन्यथा जो कलयुग का जो आज परिवेश है, रजोगुण तमोगुण से पूर्ण रूप से भरा हुआ, हर किसी के लिए संभव नहीं है कि उस भक्ति में कार्य को कर सके। काफी फॉर्चुनेट लोग, कृपा जी कहते हैं कि सबसे सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इस भक्ति मार्ग में आते हैं। दुर्भाग्य उन लोगों का जो कि इस भक्ति मार्ग को नहीं जुड़ पाए या नहीं समझ पा रहे हैं। और कृपा जी कहते हैं कि एक जगह की सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं, सबसे मोस्ट अनफॉर्चुनेट, जो कि भक्ति मार्ग में आके चले गए, जिनको इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाए। तो सौभाग्य है हम सब भक्तों का कि हम प्रभुपाद जी कृपा से, हाँ, जिन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया, और हम जैसे जीवों के लिए, हाँ, हम बोलना ज्यादा वो इम्पर्सनल होता है कभी कभी, मेरे जैसे जीव जो कि कभी भक्ति मार्ग नहीं आते, उनके भी उनको भी जोड़ दिया। हमने न जाने जीवन में किस तरह के कार्य कार्य किए हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य किए हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के इन बुक्स से, भक्तों के संग से, है ना, प्रभुपाद जी ने जो अलग अलग सेंटर बनाए, मंदिर बनाए, उनके माध्यम से हमारा जीवन अभी बदल गया है। तो वही यहाँ पर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि आप जो हैं, काफी सौभाग्यशाली हैं कि आप ऐसे वंश में उत्पन्न हुए हैं जहाँ पर सारे राजा धार्मिक रहे हैं, भक्ति भाव वाले रहे हैं, सबने भगवान की भक्ति के लिए कार्य किया है। इस बात को भगवान गीता में भी कहते हैं, है ना, जहाँ पर भगवान कहते हैं ना कि जो ज्ञान है, मैंने सबसे पहले जो राजवंश है ना, जो एवं परंपरा प्राप्त में इमं राज ऋषि विदु, हाँ, जो राज ऋषि है उनको द्वारा ये ज्ञान आया करता था। तो इस तरह से ये जो आपके ये जो पूरा वंश है महान है, वो सत सेवनियों, जो शब्द यूज किया है उन्होंने, सत सेवनियों की सबकी सेवा करने वाले हैं, इसलिए वो सब शुद्ध भक्त की सेवा कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है ना, जहाँ पर ये भागवत प्रधान, है ना, भागवत प्रधान जो शब्द है वो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने उपयुक्त लिया है कि आपके सब परिवार वाले भक्त हैं। कौरव चाहे पांडव, पांडव तो अपने आप भगवान कृष्ण से डायरेक्ट संबंधित हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। कुंती महारानी और भी ऐसे महान महान राजा हुए हैं, हाँ, और उनके वंश में जो कि इस तरह से भगवान की भक्ति में लगे रहे। और फिर आगे कहते हैं कि आपकी तो हम चर्चा कर रहे थे कि कुरुवंश के बारे में, जो कि उन्होंने इस तरह से उनका गुणगान किया। तो जब भी कृष्ण कथा होती है या जब भी हम सुनते हैं, है ना, जब प्रश्न उत्तर होते हैं, हाँ, तो बहुत आवश्यक है कि हम किस तरह से सुनेंगे। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं इसको, है ना, जब भी हम गुरु हैं, है ना, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते हमारे जीवन के अंदर कि हमारे जो गुरु हैं वो सबसे महान से महान है वो, और हम अधम से अधम हैं, तब तक हम इस ज्ञान को जीवन में उतार नहीं सकते, है ना, उसको साक्षात्कार नहीं कर सकते। हमारे जीवन में समस्या आती है क्योंकि हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो गुरु हैं वो साक्षात हरि हैं। जैसे हम सुबह सुबह गाते हैं ना, संसार दमानल जब गाते हैं, साक्षात हरि त्वयि न समस्त शास्त्री, कि जो गुरु हैं भगवान के समान है वो, हाँ, उनको उतना ही हम पूजा करते हैं, उतना ही सम्मान जितने के हम भगवान को देते हैं, क्योंकि हमें वो भगवान से कनेक्ट करते हैं। तो जब ये जैसे वार्ता चल रहा है यहाँ पर मैत्रेय मुनि और विदुर जी का, तो विदुर जी पूर्ण रूप से स्वीकार कर रहे हैं मैत्रेय मुनि को, हाँ, एज ए स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु के रूप में। और ये जब ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो हमारे जीवन में प्रकाशित होता है ना, जैसे हम गाते हैं ना गुरु पूजा में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो प्रकाशित होता है हृदय में। हम अपने केवल कोई भी हमारे पास डिग्री है या कोई एकेडमिक स्कॉलरशिप हमारे पास है ना, या बहुत हम पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है हमें या हिंदी बहुत अच्छी आती है, उससे हम नहीं समझ सकते।
भले ही हम पूरे भागवतम को या फिर जितने चैतन्य को जितने भी शास्त्र हैं पुराण हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। संसार में हैं ऐसे बहुत सारे पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं जिनको पूरा पता है भागवतम और ये सब, लेकिन फिर भी जो साक्षात्कार है वो नहीं है भगवान के बारे में। क्यों? क्योंकि एक प्रामाणिक जो गुरु है उनके शरण ग्रहण नहीं की होती है, या फिर पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है भगवान के भक्त के प्रति है ना, या गुरु के प्रति, तो फिर ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होता है। जैसे यदि आप में से कोई साइंस स्टूडेंट है तो हम देखते हैं, आपने देखा होगा सेल होता है, एक सेल या बैटरी कोई भी होता है, तो उसमें दो चीजें होती हैं है ना, एक होता है जिनको नोड बोलते हैं, प्लस और माइनस, आपने देखा होगा है ना, प्लस माइनस सेल के ऊपर होता है। तो आप यदि साइंस की बुक्स में पढ़ते हैं हम कि जब करंट कैसे कैसे फ्लो होता है ना, जब प्लस और जब माइनस दोनों साथ में होते हैं ना, प्लस से माइनस की तरफ जाता है करंट जो है। तो जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते हमारे जीवन के अंदर कि जो हमारे गुरु हैं है ना वो सबसे मान हैं और मैं सबसे अधम हूँ है ना, जो गुरु है वो अल्टीमेट पॉजिटिव है और मैं हूँ जो अल्टीमेट नेगेटिव हूँ, तब तक ये ज्ञान हम स्वीकार या समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि भक्ति का जो पहला एक तरह से स्टेप है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, हाँ तनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, विनम्रता, जब तक वो विनम्रता हमारे मनोभाव में नहीं आएगी, हमारे मन में नहीं आएगी, जब तक उसको जीवन में स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तब तक उस ज्ञान को पूर्ण रूप से हम समझ नहीं पाएंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण दिया हमने प्लस माइनस का, तो जब तक वो गुरु को हम नहीं, गुरु को ये नहीं समझेंगे हम कि वो अल्टीमेट पॉजिटिव है ना, सबसे महान है जो मेरा उद्धार कर सकते हैं, मैं सबसे अधम हूँ है ना, तब तक वो ज्ञान नहीं प्रकाशित होगा। यदि मान लीजिए जैसे अलग अलग कंडीशन रखते हैं हम, जैसे हमने बैटरी वाला बात किया प्लस और माइनस, यदि मान लीजिए कोई सोचता है यदि दोनों माइनस हुए, यदि कोई सोचता है कि मेरे गुरु नहीं जानते हैं और मैं भी अधम हूँ, तो फिर वो ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। कोई सोचता है कि मेरे गुरु बहुत महान है लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ है ना, मुझे भी बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, तो ये क्या होगा एक तरह से प्लस और प्लस, तो भी एक तरह से जो करंट फ्लो होता है या फिर जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो फ्लो होता है वो नहीं होगा। और ये कोई सोचे कि मैं तो बहुत मान हूं लेकिन मेरे गुरु को इतना कुछ नहीं पता है, वो मुझे क्या ज्ञान देंगे, तो फिर तो बात ही नहीं है कुछ। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करने के लिए बहुत आवश्यक है कि पहले हम उस स्टेज तक पहुंचे है ना कि जो गुरु है ना जो वो सबसे महान है ना, और मेरे जैसे अधम जो सबसे अधम व्यक्ति है उसको उद्धार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो ही हम उसको एक एक तरह रिसीवर मोड में समझ पाएंगे, हम उसको उस ज्ञान को जीवन में धारण कर पाएंगे। नहीं तो अहंकार वश या फिर किसी अन्य कारण से हम उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। इसलिए जब हम देखते हैं इसके जो पहला अध्याय था सातवां अध्याय, उसके अंत में जब प्रश्न किए लगभग 23वें श्लोक से प्रश्न का आरंभ करते हैं विदुर जी कि आप ये बताइए विराट रूप के बारे में बताइए, प्रलय के बारे में बताइए, सृष्टि के बारे में बताइए, और उसके बाद फिर मैत्री मुनि का गुणगान करते हैं वो कि आपके जैसे शुद्ध भक्त ही जो बद्ध जीव हैं उनके हृदय से सारे जो कल्मश है उनका नाश कर सकते हैं। फिर वो अपनी स्थिति को स्वीकार करते हैं और फिर इस तरह से उनके समर्पित होकर के उस ज्ञान को सुनना आरंभ करते हैं। अर्जुन ने भी गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन भी पहले पहले अध्याय में काफी तर्क दिए है ना, 5 तर्क देता है अर्जुन कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, फिर जब कंफ्यूज हो जाता है तो फिर क्या करता है, सरेंडर करता है, शरणागत होता है भगवान की गति। तो जब तक ये शरणागति वाला जो भाव है वो नहीं होगा तो वो ज्ञान जो है हम उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान भी खुद फिर गीता में ही कहते हैं कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, कि शरणागत होकर के जब सेवा करते हैं तो फिर हम जब प्रश्न करते हैं तो उसका जब हम उत्तर सुनेंगे तो वे उसको स्वीकार करके समझ पाएंगे। चैलेंजिंग मोड में रहा या फिर कुछ जस्ट इंक्वायरी करने के लिए, तो फिर वो एक तरह से वो ज्ञान जो है उसको हम सुन तो लेंगे लेकिन अनुशीलन या उतारना जीवन के अंदर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो कृष्ण कथा है ना, या फिर जब हम सुनते हैं गुरु के मुख से, प्रभुपाद जी के मुख से हम सुनते हैं इतने लेक्चर्स, तो फिर वो किस भाव से होना चाहिए कि प्रभुपाद जी या फिर जो गुरु हैं वो अल्टीमेट
ना, मेरे उद्धारक हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं, और मैं सबसे अधम व्यक्ति हूँ जिसने इतने जीवन में सब कुछ किया है, लेकिन अब भगवान की शरण में आया हूँ, तो मुझे पूर्णतया भगवान की शरण में जाना चाहिए गुरु के माध्यम से। भगवान को हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते, इसलिए भगवान फिर अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि अभी संसार में कोई शुद्ध भक्त नहीं है। नहीं, यदि ऐसा होता तो फिर ये संसार नहीं चल रहा होता। भगवान इस संसार को चला रहे हैं क्योंकि शुद्ध भक्त इस संसार में है, उनको पालने के लिए है ना, उनका पोषण करने के लिए, उनकी इच्छा के लिए भगवान इस संसार को मेंटेन करते हैं। नहीं तो संसार में लोग केवल किस में लगे हुए हैं, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से केवल पाप कार्य में लगे हुए हैं। भगवान को क्या पड़ी है इस संसार को चलाने की। लेकिन जब अपने शुद्ध भक्त को देखते हैं कि शुद्ध भक्त इनको प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं इस तरह से, तो उनको लिए भगवान इस पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं। तो इसलिए ये प्रमाणिक स्रोत से सुनना, गुरु परंपरा से सुनना है ना, शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना, ये बहुत हर जगह भागवत में इसी बल दिया गया बार बार। श्रवणम कीर्तनम का प्रोसेस हर जगह बताया जाता है, लेकिन किस स्रोत से सुनना है, प्रमाणिक स्रोत से सुनना है। और इसी की चर्चा फिर आगे मैत्री मुनि खुद कहेंगे है ना, कि जो ये अपनी परंपरा सुनाएंगे फिर वो है ना, कि जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ यहाँ पे ज्ञान अभी है ना, जो भागवतम का जो ज्ञान, सबसे पहले भगवान शंकरशन ने सनातन जो चार कुमार है ना, उनको दिया पहले, और फिर जो चार कुमार है उन्होंने सांख्यान ऋषि को दिया, और सांख्यान ऋषि से मेरे पिता, सॉरी मेरे जो गुरु हैं पराशर मुनि, मैत्रेय मुनि के जो गुरु थे पराशर मुनि, उन्होंने सुना, और फिर उनसे मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वहां पर भी वो खुद वो इस गुरु परंपरा का दोबारा वर्णन करेंगे, किस तरह से जो मैं तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ वो कैसे ये गुरु परंपरा के माध्यम से आया है। तो प्रमाणिक स्रोत से सुनना, एक गुरु परंपरा के माध्यम से। कई बार ये भी सुनते हैं हम है ना, कि हरे कृष्ण महामंत्र तो भगवान का नाम है ना, पूर्ण से शुद्ध है। तो फिर यदि हम बार भी सुनते हैं है ना, बार भी हजारों लाखों लोग हैं भगवान के बारे में कथा करते हैं, अलग अलग बातें होती है, तो उनके मुख से नहीं सुनना चाहिए हमें। तो इसलिए सनातन गोस्वामी उसको तुलना करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों को सुनना उसी तरह से है जैसे कि सांप का झूठा केवा हुआ जो दूध है वो पीना। दूध जो है वो अपने आप में एक अमृत है ना, बहुत पौष्टिक आहार है, लेकिन जब उसको सांप डस लेता है तो क्या हो जाता है, वो जहरीला हो जाता है। तो उसी तरह से उनकी जो चेतना है ऐसे लोगों की है ना, जो कि या किसी धन के लिए या कोई अपने यश के लिए भगवान की इस कथा कर रहे हैं, तो उनकी चेतना फिर हमारी चेतना में प्रवेश करती है, और फिर हमारी चेतना भी दूषित हो जाती है, यदि भले ही हम भगवान का नाम ले, भगवान की कथा सुने। इसलिए हर जगह भागवतम में है ना, शुद्ध भक्तों से सुनने के लिए वर्णन किया गया है, शुद्ध भक्तों के संघ का वर्णन किया गया है। और जैसे कि इस अंत में इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्तों के वर्णन से, ऐसे शुद्ध भक्तों के संघ से, उनके मुख से श्रवण करने से क्या होता है, जो हमारे हृदय में जो कृष्ण भावना अमृत है जो कि हमेशा से है, वो जागृत होती है। जब बद्ध जीव संसार में आता है तो वो इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग से, भौतिक प्रकृति के साथ में रहता है, तो क्या होता है, रजोगुण तमोगुण और जो सत्वगुण, इन तीन गुणों के प्रभाव से भगवान को हम भूल जाते हैं। और जैसे ही जब आप शुद्ध भक्त जो कि तीन गुणों से परे है, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, 24 घंटा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उनसे हम जब श्रवण करते हैं, तो ये जो कवरिंग है ना, माया की कवरिंग, जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की जो कवरिंग है, वो धीरे धीरे क्या होती है, हटना आरंभ हो जाती है, और जो अपने स्वरूप में आती है, जो वास्तविक जो उसको आनंद है, वो उसको प्राप्त होना आरंभ हो जाता। तो शुद्ध भक्तों के संग से क्या होता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव खत्म होता जाता है, तीन गुणों का प्रभाव खत्म होता जाता है, और जो वास्तविक जो हमारी चेतना है, कृष्ण मूल भावना भी जो चेतना है, उसमें आने लगते हैं। जो सच्चिद आनंद जो हम बोलते हैं, आत्मा का जो स्वरूप है, हमेशा आनंद में रहना, उस स्वरूप में हम धीरे धीरे आने लगते हैं। कई उदाहरण है इसके है ना, हम देखते भी हैं नारद मुनि के कई उदाहरण। नारद मुनि ने मृगारी का स्टोरी हम सबने सुना है ना, किस तरह से मृगारी को उसका जीवन बदला नारद मुनि ने, केवल संग मात्र से। रामायण
जिन्होंने लिखा वाल्मीकि जी ने, हाँ नारद मुनि ने उनको संग दिया, हाँ उनको उपदेश दिए, भगवान का नाम दिया और वो कहा रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बन गए ध्रुव महाराज, जो कि केवल एक भौतिक इच्छा से भगवान के पास जा रहे थे, उनको नारद मुनि ने गाइड किया और वो शुद्ध भक्त बन गए। हजारों लाखों एग्जाम्पल हैं। और आज की इस युग में हम देखें प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी अमेरिका गए, विदेश में पूरे विश्व में प्रचार किया, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, है ना, उनको भक्त बना दिया, शुद्ध भक्त बना दिया। तो ये केवल भक्तों के संघ के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे पर भी हम देखते हैं, है ना, कि जब हम भक्तों के संघ से दूर होते हैं, है ना, या फिर जब ऐसी चर्चा या जो कक्षा हो रही है उनमें नहीं होते हैं, तो क्या होता है, जो कवरिंग है हमारे चेतना पर वो बढ़ जाती है दोबारा, माया की जो कवरिंग है, जो गुण और तमोगुण है वापिस हमें घेर लेता है। तो उससे बचने के लिए क्या चाहिए हमें, हम रेगुलरली कंटिन्यूअसली भक्तों का संग करें, है ना, भगवान के बारे में श्रवण करें, तो फिर ये जो माया का जो प्रभाव है वो उतना हमारे ऊपर कम होगा, उतनी हमारी चेतना शुद्ध होगी, उतने हम प्रसन्नचित रहेंगे, उतने आनंद में रहेंगे। लेकिन हमें उसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं, एफर्ट तो हमें हर जगह डालते हैं, प्रयास तो हम हर जगह करते हैं, जैसे यहाँ पर सुबह सुबह आना 8 बजे, है ना, सुबह सुबह रेगुलरली क्लास करना, है ना, सुबह सुबह जप करना, हर चीज के लिए प्रयास सही है, लेकिन हमें कॉन्शियसली प्रयास करने पड़ेंगे, है ना, भगवान की नाम के लिए, है ना, जब हम जप करते हैं तो अटेंटिव जप करें, ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करें, है ना, जब श्रवण करें भगवान के बारे में तो ध्यानपूर्वक करें, तो क्या होगा, ये जो कथा हमारे हृदय को शुद्ध करती जाएगी। श्रोताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय तस्तो भद्राणी, तुम्हारे जो हृदय में जो अभद्र हैं वो दिनोति सुतताम, सारे धुल जाएंगे वो, और जैसे ही वो धुल जाएंगे तो हम वास्तव में जो सुख और जो आनंद चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा बाहर भौतिक संसार में हम देखते हैं कि लोग बहुत आनंद के लिए क्या क्या प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है, पूरा जो भौतिक संसार है उसी पे बना हुआ है ना, इंद्रिय तृप्ति, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके पीछे पागल। और संसार की चीजें ऐसी हैं, है ना, कि वो आदमी व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है, उनका आदी हो जाता है, वो जानता है कि वो उसको उससे आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब उसको आदत लग जाती है इन चीजों की तो भी वो बाहर नहीं निकल पाता है, फिर उनको ही वो बैड हैबिट्स या फिर अलग अलग प्रकार के जो कार्य हैं उनमें फिर वो इंडल्ज होना या उनमें संलग्न होना आरंभ कर देता है, चाहकर भी नहीं निकल पाता है वो। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है ना, कृष्ण चेतना ऐसी चीज है, चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, भगवान का नाम, भगवान की कथा हमारी चेतना को उठा सकती है। इसके उदाहरण भी हैं, हम सब खुद हम अपने जीवन में देख रहे हैं किस तरह से हमारा जीवन बदल रहा है, प्रभुपाद जी ने कितने हजारों लाखों हिप्पियों को बदला, और भारत में भी न जाने कितने लोग हैं, युवा हैं या फिर जो भी लोग हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं इस कृष्ण भावना के माध्यम से। बस हमें इसको सिंसियरली प्रयास करना है, सीरियसली इसको लेना है और प्रयास करना है भगवान कृष्ण के इस नाम को सुनने के लिए, कथा को सुनने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी एक बार कहीं जा रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, तो फिजी एक जगह है, फिजी आइलैंड है एक न्यूजीलैंड के पास में, तो वहां पर उनका फ्लाइट रुका था, तो वहां पर 1-2 घंटे या 2-3 घंटे के लिए प्रभुपाद जी रुके वहां पर, और एक इंडियन व्यक्ति था उससे मिले वहां पर, और उनको उन्होंने वहां पर थोड़ा प्रचार किया। हाँ, तो वो जो इंडियन व्यक्ति थे वो भक्त बन गए, रियली 2-3 घंटा मिले वो, और बाद में उन्हीं डीओटी ने फिजी में मंदिर बनाया, है ना, प्रचार किया। तो ये शुद्ध भक्तों का संघ का प्रभाव है ना, भक्तों का संघ का प्रभाव है कि वो दूसरों को भक्त बना सकते हैं। बस हमें जो शुद्ध भक्त हैं उनकी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करना है। हमारे भले कितने ही दोष हों, हमारी योग्यता नहीं है कि हम अपने से कुछ कर सके, लेकिन बस हम उनके आज्ञा का पालन करने का प्रयास करें तो सारी योग्यता, सारी क्वालिफिकेशन सब कुछ आ सकती है। ऐसे ही प्रभुपाद जी रशिया गए, रशिया में 3 दिन रहे, श्याम सुंदरपुर के साथ रशिया गए थे, तो वहां पर खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, वहां पर केवल आलू मिले उनको श्याम सुंदरपुर को वहां पर खाने के लिए। काफी उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था रशिया, काफी कुछ प्रॉब्लम हुआ, 3 दिन ही रुकने दिया प्रभुपाद जी को वहां पर। प्रभुपाद जी को मिलने के लिए 2 व्यक्ति आए, एक इंडियन था और एक रशियन व्यक्ति था,
तो इंडियन जो था वो थोड़ा मायावादी जो टाइप था उस तरह का था, तो प्रभुपाद जी की बातें सुन रहा था लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा था। वहीं जो रशियन जो व्यक्ति था जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, तो वो प्रभुपाद जी को ध्यान से सुने, है ना, 3 दिन, 3 दिन के अंदर प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दे दिया, है ना, उनको माला करना सब कुछ सिखा दिया। और उन्हीं डिवोटी ने फिर आगे जा करके रशिया में पुस्तक वितरण आरंभ किया, है ना, और डिवोटी बनाए, काफी संघर्ष रहा बाद में। हालांकि इतना उनको समस्या हुआ वहां पर रशिया में कि जेल में बंद करके उनको मार दिया गया, उनको शोक लगाए जाते थे। हाँ, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके, भगवान की सेवा के लिए प्रचार करते रहे। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त का उनको संग प्राप्त हुआ, इतना उनको उस संगति से ये प्रभाव हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और फिर उनकी ही इस प्रयास से पूरे रशिया में बाद में डिवोटी बने। तो आज भी हम प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं, है ना, उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनके वाणी के माध्यम से। और हम देखते भी अपने जीवन में खुद अनुभव करते हैं कि जब बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं, सो वी फील अ कनेक्शन, है ना, एक प्रभुपाद जी से कनेक्शन हम फील करते हैं, भले ही हमने कभी देखा नहीं उनको डायरेक्टली लाइव जो भी हम बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा कनेक्शन हमारे हृदय में बैठ जाता है, कि प्रभुपाद जी की वाणी जो शास्त्रों में उनको उन्होंने अपने भागवतम में, गीता में जो दी है, वो एक जीवंत है वो आज भी। एक बार प्रभुपाद जी बैठे हुए थे रूम में, कुछ लोग उनसे मिलने आए थे, तो प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे तमाल कृष्ण महाराज, वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी को भगवान कृष्ण ने उनके हृदय में जो है उनको इंस्पायर किया और उन्हें सारी बुक्स लिखी। प्रभुपाद जी ने तुरंत उनको डांटा और कहा कि नहीं, भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट मुझे ये बुक्स लिखवाई हैं, वो बोल रहे थे और मैं बुक्स लिख रहा हूँ ये। तो डायरेक्ट भगवान के माध्यम से, है ना, प्रभुपाद जी सारे बुक्स हमें दिए हैं, सारे पुस्तक भागवतम जो हम आज पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं भगवद गीता, तो इनका यही हमारे जीवन को बदल रहे हैं। और आज भक्तों का संग हम जो प्राप्त कर रहे हैं उनके ही कृपा से, तो बहुत अच्छा मौका है ये। आज जो कि जन्माष्टमी आने वाला है, उसके बाद प्रपाद फेस्टिवल, जो प्रपाद जी का आविर्भाव दिवस है वो भी आ रहा है, तो हमें प्रयास करना चाहिए प्रपाद जी की सेवा के लिए हम कुछ करें। जन्माष्टमी आ रहा है, बहुत स्पेशल दिन है जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का आविर्भाव और प्रपाद जी का 125th एनिवर्सरी, 125वां साल आने वाला है, तो प्रपाद जी की सेवा के लिए हमें कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं प्रपाद जी के गुणगान के लिए। तो कुछ ना कुछ हम करें ताकि हम भी कुछ ना कुछ अर्पित कर सके प्रपाद जी के लिए, और हमारा जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो इस कृष्ण भावित आंदोलन से, प्रपाद जी से, तो वो रिश्ता बनता है जब हम कुछ सेवा करते हैं। तो इसके लिए जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, है ना, या फिर ऐसे कथा में हम रेगुलरली आ रहे हैं, और मंदिर में तो ऐसे जन्माष्टमी में अभिषेक होता है तो अभिषेक कर सकते हैं, प्रपाद जी का भी अभिषेक होता है, प्रपाद जी का कलश अभिषेक होता है, तो इस तरह की अलग अलग सेवाएं हम करके प्रपाद जी से हमारा एक जो ग्रेटिट्यूड है वो हम व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड इज गुड एटीट्यूड, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल ही इज अ ग्रेटफुल, है ना। तो हमारा ये ग्रेटनेस, मतलब प्रपाद जी ने हमारे इतना सब कुछ किया, उसको मैं व्यक्त करना चाहिए प्रपाद जी की सेवा करके। तो अभी हमारे पास मौका है प्रपाद जी सेवा करने का, प्रपाद जी का कलश अभिषेक होता है उसकी हम सेवा करें, दूसरों को भी जोड़े लोगों को, ताकि प्रपाद जी को हम जान सके, प्रपाद जी का गुणगान करें, प्रपाद जी की पुस्तकों को, प्रपाद जी का जो ज्ञान है उसको दूसरे को तक पहुंचाएं। तो ये आज का श्लोक था जिसमें शुद्ध भक्ति बारे में चर्चा किया, है ना, उनके संघ के बारे में चर्चा किया, और उसके प्रभाव से ही हम जो हमारा जीवन है उसको, जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। बार बार आप देखेंगे भागवतम के अंदर, है ना, जहाँ पे भी प्रार्थना आती है ना, जगह जगह ध्रुव महाराज की प्रार्थना हुई, या प्रचेताओं की प्रार्थना हुई, या फिर जो प्रहलाद महाराज उनकी प्रार्थना हुई, वहां पर हर जगह यही कहते हैं क्या, कि हमें जो शुद्ध भक्त है उनका संग प्राप्त हो, भक्तों का संग प्राप्त हो। तो हम भक्ति कर पा रहे हैं क्योंकि भक्तों का संग है, शुद्ध भक्तों की हमारे पर कृपा है, प्रभुपाद जी कृपा है, इसलिए तो बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए उनके प्रति हमें, और प्रयास करते रहना चाहिए हमें उनकी सेवा करने के लिए, तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। भगवान को हम डाइट नहीं समझ सकते, है ना, इसलिए भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, शुद्ध भक्तों को, और उनकी सेवा से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो यही हमारे इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ये थोड़ा बहुत हमने चर्चा करने का प्रयास किया। किसी को कोई प्रश्न है आप में से कुछ?